अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मेरे पास आपके लिए एक नई कहानी है और उसका नाम है खरगोश और कछुआ। खरगोश की है। तो आइए सुनते हैं। एक था कछुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त खरगोश मिला। उसने कछुए को यूं चलते देखा तो उसकी हंसी उड़ाने लगा। बोला, वाह मेरे यार, सुस्ती हो तो ऐसी हो भैया, जरा जल्दी जल्दी चलो। कछुए ने जवाब दिया, मैं सुस्त बेशक हूँ, मगर दौड़ में तुमसे आगे निकल जाऊंगा। खरगोश हंसा और बोला, ये भी एक ही कही, तुम और मुझसे बाजी ले जाओ। कछुए ने कहा, जो कुछ मैंने कहा ठीक कहा, अभी दौड़ लगा कर देख लो। खरगोश ये सुनकर खरगोश को गुस्सा आ गया और वो दौड़ लगाने पर राजी हो गया। उसने चूहे को बुलाया जो इन दोनों का दोस्त था और उसने कहा, लो भाई हम दौड़ लगाते हैं, तुम बताना कौन जीता। चूहे ने खरगोश और कछुए को पास पास खड़ा किया और बोला, देखो वो सामने 100 गज पर शहतूत का दरख्त है, वहाँ तक दौड़ो और फिर लौट कर आओ, जो पहले आए वो ही जीतेगा। अच्छा होशियार, 1 2 3। खरगोश भागा, कछुए ने भी पांव उठाया और दौड़ शुरू हुई। आगे आगे खरगोश दौड़ता जाता था और पीछे पीछे कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चला जाता था। जब खरगोश शहतूत के दरख्त के पास पहुंच गया तो उसने सोचा कि कछुआ तो अभी 10 गज भी ना चला होगा, मैं दरख्त के साए में जरा आराम कर लूं। ये सोचकर वो लेटा तो उसको नींद आ गई और वो बेखबर सो गया। उधर धुंध का पका कछुआ आहिस्ता आहिस्ता दरख्त तक पहुंचा और फिर लौट भी गया। जब कछुआ वापस आ गया तो खरगोश की आंख खुली और वो भागने लगा। चूहा खड़ा तमाशा देख रहा था। खरगोश आते ही बोला, क्यों भाई चूहे, मैं ही जीता ना। चूहे ने कहा, नहीं तुम नहीं जीते, कछुआ जीता। ये देखो वो तो कपड़ा वापस आ चुका है, तुम सोए रहे और वो चलता रहा। ये सुनकर खरगोश को बहुत अफसोस हुआ, मगर अफसोस से क्या होता है। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों, हमें किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो जैसा है वो बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।